क्या कह रहे हो? छोटा तपस्वी मूर्छा से जाग गया। हाँ महाराज, तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी भ्राता कुंभकर्ण के पास जाता हूँ। यह वृतांत दशानन सुनाऊ, यह वृतांत दशानन सुनाऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ, व्याकुल कुंभ करण पहियावा, व्याकुल कुंभ करण पहियावा, विविध जतन करिताही जगावा, विविध जतन कुंभ। भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, वीरो चौ चौ कुंभकर्ण, चौ चौ ये कौन पापी है जिसने मुझे ढोल निद्रा से जगाया है? भ्राता कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें इस निद्रा से जगाया है। भ्राता जी, जय शंकर की, जय शंकर की। भ्राता जी, आप पर ऐसी क्या विपत्ति आई जिसने आपकी मुख मुद्रा इतनी मलिन बनाई, मुझे ढोल निद्रा से जगाने का कारण? भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हारे सोते ही लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी थी वो अब बांदी होती है। अरे ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन कट जाए घाटों में, कट जाए बहन के नक्कन, तुम बड़े रहो घर रातों में। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक बार बहन स्वरूप दिखा, दंडक वन में विहार करते हुए गई। वहां पर अयोध्या के दो राजकुमार अपनी सुंदर स्त्री के साथ आए हुए थे। जब बहन ने उससे बात करनी चाहिए, तो छोटे तपस्वी ने उससे छल करना चाहा। जब उसने उसका विरोध किया, तो उसने उसके नाक कान काट डाले। वो रोती बिलखती चीखती चिल्लाती खर और दूषण के पास गई, तो उस बड़े तपस्वी ने उन सब वीरों का काम तमाम कर दिया। क्या खरदूषण भी मारे गए? हाँ, खरदूषण भी मारे गए। अच्छा, फिर आपने क्या किया? तत्पश्चात मैंने अपने हृदय में धधक की प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर दिया। बस तब से ही हमारा उन तपस्वियों से युद्ध चल रहा है। भ्राता जी, जब तक आप उसे अपनी पटरानी नहीं बना लेते, तब तक आपकी विजय होना असंभव है। भ्राता कुंभकर्ण, मैंने सभी प्रयास कर देखे, परंतु वो बहुत हठी है। भ्राता जी, स्त्री वस्त्र और आभूषणों की लालची होती है, उसे वस्त्र और आभूषणों का लालच दिया होता, मैंने वो भी करके देखा, परंतु उसने सब कुछ अस्वीकार किया। तो भ्राता जी, आप तो बहुत मायावी हैं। आप राम का रूप धर उसके समीप क्यों नहीं जाते? वो आपको अवश्य स्वीकार कर लेगी। मैंने वो भी करके देखा, परंतु जब जब मैं राम का रूप धर के उस स्त्री के पास गया, तो मुझे मंदोदरी के अलावा सभी स्त्रियों में माँ का रूप दिखाई देने लगा। तो भ्राता जी, आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जिसे आप साधारण स्त्री समझ रहे हैं, वह जगत जननी जगदम्बा है, निशाचरों का नाश करने वाली साक्षात काली का है, और वह दोनों कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं नर के रूप में नारायण है। भ्राता कुंभकर्ण,
हम तुमसे उपदेश नहीं चाहते। उपदेश नहीं भैया, सच्ची बात कहता हूँ। एक बार नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया था कि बुद्धि मलिन होने के कारण जब रावण सीता को हर कर लाएगा तो संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन भ्राता जी एक बात तो बताइए, जो गई भारतीय स्वरूप लिखा क्या काम आता जाने का? कुछ तो कारण होगा बच्चों से नाक कटाने का। इन दो मतलब की बातों में लंका की कत्या नाशी है। अब तिथियां क्या गिनना, अपनी तो पूरण माची है, अपनी तो पूरण माची है। ये तो ज्ञान के चक्कर में फंस गया, इसे मंदिर में पान किया जाए। संचालन उसका महाबलशाली भाई कुंभकर्ण कर रहा है। तो ठीक है, आज युद्ध का संचालन हम स्वयं करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। देख विभीषण आगे आयो, परे चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय से हिलायो, रघुपति भक्ति जान मन भयो। भैया मैंने महाराज को हर प्रकार से समझाना चाहा, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। तभी से मैं प्रभु की शरण में आ गया हूँ। अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं। अच्छा हट जाओ राम, क्या तू ही है राम? क्या तूने ही अनेकों वीर है घाले? अगर योद्धा हो तो आ जाओ उठाकर तीर और भाले। नहीं कृष्णा, नहीं दूषण, अभी पता चल जाएगा जब पड़ोगे कुंभकर्ण के पाले। कुंभकर्ण कुंभकर्ण, इन बातों का तुम्हार ना शोभा खाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। यदि तुम वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभालो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा राम।